दोस्तों मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हो प्रेसिडेंसी जेल और मैं आपको आज लेके आया हूँ वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस बिगेस्ट पब्लिक ऑडिटोरियम जो कि ठीक मेरे पीछे है। दोस्तों ये जो ऑडिटोरियम है इंडिया में सबसे बड़ा है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज किया गया है और बहुत ही जल्द इसे इनॉग्रेट कर दिया जाएगा जनरल पब्लिक के लिए। यहाँ पे आप फंक्शंस वगैरह देख सकते हो, स्टेज शोज, थिएटर वगैरह, पब्लिक कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ हो सकता है यहाँ पे। तो ये पुलिस हेडक्वार्टर भवानी भवन है, ये प्रेसिडेंसी जेल है, उसके ठीक सामने बना हुआ नया मल्टी लेवल पार्किंग। ये रहा वो मल्टी लेवल पार्किंग जिसका इनॉग्रेशन हाल ही में हुआ है, जिसका नाम दिया गया है संपन्नो। यहाँ से आप लेफ्ट चले जाओगे तो अलीपुर जू आएगा और यहाँ से अगर आप राइट जाओगे तो डीएल खान रोड पकड़ के आप एस्प्लेनेड और विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ जा सकते हो। दोस्तों ये जो संपन्नो मल्टी लेवल पार्किंग है 9 जनवरी 2023 को वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है और ये मल्टी लेवल पार्किंग ऑलरेडी ऑपरेशनल है। धनोधान्य ऑडिटोरियम और अलीपुर जू का पार्किंग प्रॉब्लम्स के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस मल्टी लेवल पार्किंग में 20 बसेस, 330 कार्स और लगभग 55 बाइक्स को पार्क किया जा सकता है। तो अगर आप कोलकाता का आइकॉनिक ऑडिटोरियम धनोधान्य में जा रहे हो तो इस पार्किंग लॉट में आप अपना कार को पार्क कर सकते हो। पार्किंग चार्जेस कुछ इस तरह है, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक आप यहां पे पार्किंग कर सकते हो। बाइक के लिए हर घंटे 10 रुपए देने पड़ेंगे, प्राइवेट कार्स के लिए 25 रुपए प्रति घंटा देना पड़ेगा और बस के लिए 60 रुपए प्रति घंटा देना पड़ेगा। और अगर आप मंथली बेसिस में अपना गाड़ी को रात को यहां पार्क करना चाहते हो तो हर महीने आपको 1725 रुपए देना पड़ेगा। संपूर्ण मल्टी लेवल पार्किंग में एक एयर कंडीशन कैफे भी है जहाँ पे आप स्वादिष्ट खाने का लुफ्त उठा सकते हो। ये कैफे पूरी तरह से एयर कंडीशन है। संपूर्ण मल्टी लेवल पार्किंग से धनोधान्य ऑडिटोरियम लगभग 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है। अगर बात किया जाए धनोधान्य ऑडिटोरियम का तो ये जो ऑडिटोरियम है उसे अलीपुर में बनाया गया है जिसका कुल सीटिंग कैपेसिटी 2600 है। पहले तो इसका इनॉग्रेशन नवम्बर 2022 को होने वाला था लेकिन किसी कारणवश वो हो नहीं पाया। लेटेस्ट खबर ये है दोस्तों कि इसी महीने मतलब अप्रैल 2023 को ही धनोधान्य ऑडिटोरियम इनॉग्रेट कर दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। धनोधान्य ऑडिटोरियम को बनाने में अप्रोक्सीमेटली 440 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है और ये ऑडिटोरियम लगभग 40 महीने में बनके तैयार हो चुका है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो, मैं खुद आज इस ऑडिटोरियम के अंदर गया हुआ था। धनोधान्य ऑडिटोरियम बनके पूरी तरह से तैयार है, अब सिर्फ फिनिशिंग टच दिया जा रहा है ताकि इनॉग्रेशन के लिए इसे तैयार किया जा सके। धनोधान्य ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन डिले हुआ है क्योंकि कोविड के दौरान इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हुआ था, लेकिन धनोधान्य ऑडिटोरियम जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हाई कैपेसिटी ऑडिटोरियम है वो बंगाल के लोगों को स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये जो ऑडिटोरियम है इसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से बनाया गया है। ठीक प्रेसिडेंसी जेल के ऑपोजिट में धनोधान्य ऑडिटोरियम को बनाया गया है। धनोधान्य ऑडिटोरियम में कुल 3 ऑडिटोरियम्स है जिसमें कुल सीटिंग कैपेसिटी 2600 के आसपास है। इस ऑडिटोरियम का जो खूबसूरती है उसे कैमरा में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। इस ऑडिटोरियम का विशाल आकार के वजह से कोलकाता का बहुत दूर से इस ऑडिटोरियम को देखा जा सकता है और ये धनोधान्य ऑडिटोरियम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द की अट्रैक्शंस एंड एन आइकॉनिक लैंडमार्क फॉर द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। इस ऑडिटोरियम को शंख के आकार में बनाया गया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। इसका जो डिजाइन है वो चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का आइडिया से इंस्पायर्ड है। इसमें मिनी ऑडिटोरियम, बैंक्वेट हॉल, स्ट्रीट ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पज हॉल और भी ढेर सारा फीचर्स है। इसमें पार्किंग का सुविधा भी है। ये जो ऑडिटोरियम है वो 6 मंजिला है। ऑडिटोरियम का ऊपर का हिस्सा जिंक से बनाया गया है जिसे लाया गया है जर्मनी से। इस ऑडिटोरियम के ऊपर जो कस्टम लाइट्स लगे हुए हैं वो लाया गया है जापान से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इस धनोधान्य ऑडिटोरियम का इनॉग्रेशन वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि कोलकाता में बना हुआ इस नया ऑडिटोरियम के बारे में हर किसी को पता चले। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर
फॉर सो लॉन्ग। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो मेक श्योर यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल नेक्स्ट टाइम जय हिंद।